सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि जो नेवी की 45,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली एक बिगेस्ट मेक इन इंडिया सबमरीन परियोजना है, उस परियोजना को लेकर इंडियन नेवी और डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के बीच एक तनाव पैदा हो गया था। क्योंकि जहां एक तरफ इंडियन नेवी इस प्रोग्राम में किसी ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट बिड के साथ आगे बढ़ने से परहेज कर रही थी, तो वहीं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री का कहना था कि इंडियन नेवी को इस तरह के एक ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट बिड पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी परियोजना में अडानी डिफेंस और स्टेट ऑन हिंदुस्तान लिमिटेड की जॉइंट वेंचर कंपनी ने अपनी तीसरी बिड सबमिट की थी। लेकिन अब इसी तनाव को कम करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस 45,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली सबमरीन परियोजना में ये फैसला लिया गया है कि इस परियोजना को केवल उन्हीं दो इंडियन कॉम्पिटिटर्स के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जिन्हें पहले इंडियन नेवी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि स्टेट ऑन मजगांव डॉक लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। यानी कि इस परियोजना के लिए अडानी डिफेंस और HSL की जॉइंट वेंचर ने जो तीसरी बिड सबमिट की थी उस बिड को रिजेक्ट कर दिया गया है। और बता दें कि इस परियोजना के तहत जिन सबमरीन्स को बनाया जा रहा है वो किसी फॉरेन कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ बनाई जाने वाली भारत की आखिरी सबमरीन्स होंगी, क्योंकि अब इसके बाद से जो अगली जनरेशन की सबमरीन्स होंगी वे स्वदेशी तौर पर ही डिजाइन और डेवलप की जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स अपने हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर्स को एक मेजर ओवरहॉलिंग और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत रशिया भेजने की तैयारी में है, और इन हेलीकॉप्टर्स के इस ओवरहॉलिंग प्रोसेस में इनकी वर्टिकल हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। और ऑफिशियल्स का कहना है कि इस मेजर ओवरहॉलिंग के बाद फिर से पुनर्जीवित होने के साथ ही ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के नए CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेट होंगे। और इन हेलीकॉप्टर्स को ओवरहॉलिंग के लिए रशिया भेजने के लिए पिछले साल ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से सारी फाइल्स को फाइनली क्लियर कर दिया गया है, और अब इंडियन एयरफोर्स इस बात पर फैसला कर रही है कि इन मशीन्स को रशिया किस तरीके से भेजा जाए। और ऑफिशियल्स के मुताबिक हर एक हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग में यानी कि उन्हें फ्लाई वर्थी स्टेट में लाने के लिए करीब 10 से 12 महीने का समय लगेगा। बता दें कि वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, और Mi-26 जो कि दुनिया के सबसे लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एक स्टैंडर्ड लॉन्ग रेंज वेपन के तौर पर MBDA की मीटियोर मिसाइल के बदले स्वदेशी तौर पर विकसित अस्त्र मिसाइल को शामिल करना चाहती है। और कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि फिलहाल हम LCA तेजस के लिए किसी फ्रेंच ऑप्शन पर विचार नहीं कर रहे हैं, और हम भारत के स्वदेशी सिस्टम्स को ही प्रमोट करना चाहते हैं, और जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि उनके लगभग हर एक प्लेटफॉर्म में स्वदेशी सिस्टम का ही इस्तेमाल हो। और ऑफिशियल्स के मुताबिक जो अस्त्र मिसाइल का डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से संतुष्ट है। और जबकि अस्त्र मिसाइल को लेकर DRDO ऑफिशियल्स का कहना है कि अस्त्र मिसाइल के यूजर ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और ये अपने अगले स्टेज में प्रवेश करने के लिए तैयार है, यानी कि उन्हें अब इस मिसाइल सिस्टम के पहले प्रोडक्शन ऑर्डर का इंतजार है। और कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स के ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के साथ अस्त्र मिसाइल इनके वेपन पैकेज में शामिल हो सकती है। और जैसे कि पहले रिपोर्ट आई थी कि LCA तेजस में भी मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अगर अब इस रिपोर्ट की माने तो हमें अब LCA तेजस में मीटियोर मिसाइल के बदले हमारे खुद के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल देखने को मिलेगी। आज मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया है और जबकि एक जवान घायल हुआ है। और ये मुठभेड़ तब हुई थी जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम है सहबाज अहमद। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और जबकि इसके अलावा सोमवार को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा एक एक्सप्लोजिव डिवाइस को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है, और ये एक्सप्लोजिव डिवाइस मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर CISF द्वारा एक बैग में बरामद किया गया था। और सीनियर अथॉरिटीज की तरफ से जारी CCTV फुटेज से मालूम पड़ा है कि ऑटो रिक्शा में आए एक आदमी ने इस बैग को वहां पर फेंका था। बाकी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और बाकी जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोप में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, और पाकिस्तान को अपने सारे एक्शन प्लान पूरा करने के लिए इस साल अप्रैल के महीने तक डेडलाइन दी गई है। यानी कि अगर दिए गए समय के अंदर पाकिस्तान जरूरी एक्शन नहीं लेता है तो उसे FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और अभी से चिंता के विषय में पाकिस्तान ने खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए अमेरिका से अनुरोध किया है, और पाकिस्तान चाहता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में अमेरिका उनकी मदद करे। और जिसके चलते इस सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
आज जहां एक तरफ रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने इंडियन नेवी की बिगेस्ट मेक इन इंडिया सबमरीन परियोजना पर अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसके तहत इस परियोजना में दो इंडियन कंपनीज और 5 फॉरेन कंपनीज के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया गया, तो वहीं आज डीएसी की तरफ से कई सारे खरीद प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें से इंडियन आर्मी के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद की मंजूरी भी शामिल है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसे भारत में ही इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसी के साथ डीएसी ने T-72 और T-90 टैंक्स के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए ट्रॉल असेंबलीज के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि जो ये ट्रॉल असेंबलीज हैं, ये T-72 और T-90 टैंक्स को एक स्वदेशी डी माइनिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और जबकि इसके अलावा क्वालकॉम की तरफ से भी उन पहले चिपसेट्स की घोषणा कर दी गई है, जो कि इसरो द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए नाविक नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। और वो चिपसेट हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 720Z, 662 और 460, यानी कि इसरो का नाविक नेविगेशन सिस्टम मिड रेंज और एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलेगा। और ये चिपसेट नाविक के साथ साथ GNSS, GPS, GLONASS और चाइना के वीडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी सपोर्ट करेंगे, ताकि कस्टमर को एक ग्लोबल कवरेज मिले। और बता दें कि नाविक नेविगेशन सिस्टम केवल भारत में इस्तेमाल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी कि भारत के अंदर किसी भी जगह पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो वहां पर आपका स्मार्टफोन नाविक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगा। बाकी नाविक सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि समुद्र शक्ति बायलेटरल एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ आयोजित की है, और इसका सही जवाब है इंडोनेशिया, जिसमें इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी शामिल हुई थी। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।